रजिस्ट्रेशन के लिए, एज ए सेलर का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दोनों होता है बायर और सेलर का। तो मैं अभी बायर नहीं समझ रहा हूँ, बायर बाद में समझा, अभी फिलहाल मैं सेलर पे फोकस कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ सेलर का रजिस्ट्रेशन समझ रहा हूँ, साइन अप एज ए सेलर, ठीक है सेलर। यहाँ पे आपको सबसे पहला पूछ रहा है बिजनेस टाइप, आपकी कंपनी कैसी है, प्रोप्राइटर, फॉर्म, कंपनी, ट्रस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसी है। देखो मैंने यहाँ पे आपको मैंडेटरी लिस्ट समझा दिया और ऑप्शनल भी बता दिया। देखो टाइप ऑफ कंपनी बता दिया है, कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये पहले लिस्ट में। सेकंड लिस्ट में ये है पैन कार्ड, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी, बैंक अकाउंट और एड्रेस। और थर्ड लिस्ट में ऑप्शनल में ये है, और ये बाद में, ये जब प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कॉजन मनी भरना है 5,000 रुपया मिनिमम, डिपेंड अपॉन आपके टर्नओवर के हिसाब से 5,000, 10,000 और 20,000, ऐसे आपके तीन अमाउंट आते हैं, तो वो आपको बाद में भरना पड़ेगा एज ए डिपॉजिट है। ये अमाउंट आपका डिपॉजिट है, जिस दिन बैंक अकाउंट आप मतलब जिम का अकाउंट क्लोज करेंगे उसके बाद ये पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ प्रदीप सर बोलिए। अजी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दूसरा लगा हुआ है तो हम रजिस्ट्रेशन करते वक्त दूसरा नंबर लगा सकते हैं? नहीं नहीं वही नंबर देना, वही नंबर, बाद में नंबर आप बदल सकते हो पर फिलहाल वही देना। ठीक 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 ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपनी चूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप चूज कर लिया तो मुझे यहाँ पे चूज करना है रिक्वायर्ड, पेन बेस्ड करना चाहते हो या आधार बेस्ड, यहाँ पे पेन बेस्ड या आधार बेस्ड दोनों है, दोनों में ऑप्शन। एक्टिव क्या लगेगा, एक्टिव ईमेल आईडी, देखो मैंने जैसे बोला था बिजनेस पेन, इसको टिक करो, बैंक अकाउंट, एनआईएफसी कोड, इनकम टैक्स रिटर्न, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी उनके लिए है। अभी यहाँ पे भी मैंडेटरी ऑप्शनल में समझ लो, आईटीआर कब तक मैंडेटरी नहीं है, यदि आपकी कंपनी को 24 मंथ से कम हुए हैं तो, यदि आपकी कंपनी 24 मंथ से ज्यादा पुराना है तो आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी में चला जाएगा, और फिर भी आप यदि आईटीआर नहीं भरे हो तो फिर आप बीड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ, बीड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ। डायरेक्ट ऑर्डर मिलता रहेगा, मतलब 25,000 वाला और 5,00,000 वाला ऑर्डर मिलता रहेगा, सिर्फ बीड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ। बीड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको आईटीआर मैंडेटरी हो जाएगा, फिर आपको आईटीआर लगेगा, बट आपकी कंपनी 24 मंथ से कम पुरानी 24 मंथ नहीं हुआ है तो फिर आपके लिए आईटीआर ऑप्शनल में, तो आप सब काम कर पाओगे, बीड में पार्टिसिपेट कर पाओगे 24 महीने तक। क्लियर है? 24 मंथ मतलब 24 दो साल है ना, 48 लिखा गया मैंने यहाँ पे 24। इनकम टैक्स, एड्रेस, एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, बाकी ऑप्शनल है। उद्यम ऑप्शनल है, ईएमडी एग्जम्पशन वगैरह मिलता है। स्टार्टअप ऑप्शनल है, जीएसटी नंबर फॉर इंटर स्टेट बिजनेस के लिए जीएसटी ऑप्शनल है। एक स्टेट से बाहर के लिए कर रहे हो, इंट्रा के लिए कर रहे हो तो शायद ये मैंडेटरी चल जाए, तो मैं इसको ऑप्शनल को छोड़ देता हूँ, ये टिक कर दिया, इसको करते हैं प्रोसीड। उसके बाद आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, एग्री, ये टर्म्स एंड जीएम का कंडीशन है, ये पूरा 42 पेज का है, तब इसको पढ़ सकते हो। इसमें मैं जो अभी रूल बता रहा था आपको 5,00,000 तक, 25,000 तक डायरेक्ट ऑर्डर, 5,00,000 तक नहीं, तो ये सब मैंने यहीं से बताया है, यहाँ पे सब रूल्स लिखे हुए हैं, देखना चाहते हो तो देखो 25,000 डाल देता हूँ मिल जाएगा, तो यहाँ पे नहीं यहाँ डालना पड़ेगा। मैं अपने तरफ से ये रूल वगैरह नहीं बताया आपको, ये सब ही आपको 24 मंथ से पुराना है, ये सब रूल इधर ही है, यहाँ से पढ़ के ही बताया होंगे। अप टू 25,000 थ्रू आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो डिलीवरी पेड, 25,000 से 5,00,000 के बीच आप L1 परचेज कर सकते हो, है ना, उसके लिए रूल है। सिर्फ इसको छोड़ के कौन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसको लिमिट है 30,00,000, ऑटोमोबाइल को तो OEM ही खरीद सकते हैं, मैं आगे समझाऊंगा। तो ये सब रूल मैंने यहीं से पढ़ के बताया, इसको करो प्रोसीड। तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन कर लिया, पहले प्री रिक्वेस्ट, फिर टर्म्स एंड कंडीशन, अभी प्रोप्राइटर्स। तो कंपनी का नाम क्या है, तो मेरे कंपनी का नाम है भगत टेक्नो, फिर से सेम नाम डालना है, सेम नाम मैच होना चाहिए, अभी ई यहाँ स्मॉल में और एक जगह कैपिटल में, और मैंने यहाँ पे स्मॉल में डाल दिया तो भी नहीं लेगा वो,
तो एकदम प्रॉपर जैसा डाले हो वैसा ही डालना है, स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल। इसको करो नेक्स्ट। कैसा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, आधार बेस्ड या बैंक बेस्ड? यदि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आधार बेस्ड करो, मोबाइल नंबर जो लिंक है वो डाल दो, नहीं है तो फिर पैन बेस्ड भी कर सकते हो प्रॉपर, ये आपके आईटीआर के डेटाबेस में प्रॉपर होना चाहिए बस। तो यहाँ पे आपको आधार बेस्ड करोगे सेम, यहाँ पर एक्सेप्ट करो, एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई करो, फिर ईमेल वेरिफिकेशन होगा, फिर ईमेल आईडी डालो, जो ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, ईमेल का वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर यूजर क्रेडेंशियल, तब आपको लॉगिन आईडी पूछा जाएगा। जो आप लॉगिन आईडी क्या रखना चाहते हो, तो अपना ईमेल आईडी को भी लॉगिन आईडी बना सकते हो या अपने अकॉर्डिंगली दूसरा भी लॉगिन आईडी चूज कर सकते हो। फिर टू टाइम पासवर्ड डालना है, जैसे आप पासवर्ड डाल दोगे आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है। कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है इसमें रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो बताइए। इनकेस अगर कोई एडिट करना हो रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ गलती होगी हो, कुछ नहीं एडिट कर सकते, यदि एडिट करना है तो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब जो भी करना है मतलब पहले से ठीक करना, पहले ही आपको डिसाइड करना है, इंक्लूडिंग आप ऑथराइज्ड पर्सन नहीं बदल सकते। ओके ओके ओके, कुछ भी बदलने को नहीं मिलेगा, कंपनी का नाम नहीं कुछ नहीं, बट सेम कंपनी से फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना, नया आईडी क्रिएट कर, ईमेल आईडी अलग लगेगा, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, सेम ईमेल आईडी यूज नहीं कर सकते, अलग ईमेल आईडी के साथ यूज कर सकते हो, पर पहले वो अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। मनीष सर प्लीज। इसमें अभी मेरे एक दोस्त का प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने जेम पे रजिस्ट्रेशन किया था, उनकी कंपनी प्रोप्राइटरी थी, पार्टनरशिप थी, और बाद में उनको प्राइवेट लिमिटेड करना है, तो ऑलरेडी पार्टनरशिप कंपनी का उनका जेम का रजिस्ट्रेशन है, और अभी प्राइवेट लिमिटेड में वो कन्वर्ट हो गया, तो पहले वाला अकाउंट डिलीट इमीडिएट कर, क्लोज करना पड़ेगा, और उसका इफेक्ट इमीडिएट हो जाता है क्लोज, यानी उसका पूरा कैटलॉग तुरंत हो जाता है, और आप जैसे क्लोज हो गया तुरंत, और आप तुरंत आप नया कंपनी मतलब लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कोई यानी टाइम नहीं रहता ना कि 3 महीने के बाद आप, क्योंकि उसमें जो दो पार्टनर है वही दो डायरेक्टर है ना, तो उनका नाम कैश नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा, आप जिसके नाम से अभी वो कंपनी नया हो गया, तो आप किसी को भी अभी ऑथराइज पर्सन बना सकते हो, ऑथराइज पर्सन बना देने का, और जिसको ऑथराइज पर्सन बनाओगे नेक्स्ट ईयर उनको ही आईटीआर में उनको ही ऑथराइज पर्सन बना देने का। नेक्स्ट ईयर जब रिटर्न भरोगे आप तो ऑथराइज पर्सन उनको ही बना देने का, जिनको यहाँ पे ऑथराइज पर्सन बनाया है, आपका प्रोफाइल फिर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई डाउट्स? टाइप्स ऑफ कंपनी आपने बोला था ना, उसमें पार्टनरशिप को क्या लिखना है? पार्टनरशिप देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली बात है, साइनर एज ए सेलर, यहाँ पे दो कंपनी एलएलपी और पार्टनरशिप दोनों एक साथ है फॉर्म में, यहाँ पे दो कंपनी आती है फॉर्म में, पार्टनरशिप और एलएलपी, देखो यहाँ पे आया भी देखो है ना, फॉर्म में कंपनी में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, बाकी ये तो आपको यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है।